हेलो बच्चों, जैसा थंबनेल आपको दिखा, आज का क्लास हमारा वेव ऑप्टिक्स का स्टार्टिंग क्लास है। पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा है जो कि हमारे रे ऑप्टिक्स का था। पूरे रे ऑप्टिक्स को हम लोग 7 पार्ट में कवर किए हैं। इसमें एक पार्ट में आपका रिफ्लेक्शन है, एक पार्ट में रिफ्रैक्शन है, तीसरा पार्ट में हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, चौथा पार्ट में हमारा पूरा स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक पार्ट में हमारा लेंस है, एक पार्ट में प्रिज्म है, एक पार्ट में हमारा पूरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। पूरे वेव ऑप्टिक्स को हम 3 पार्ट में कवर करने वाले हैं। इसमें आज होगा हमारा पहला पार्ट, जिसमें आपको बेसिक आइडिया देंगे हम वेव ऑप्टिक्स में करना क्या है। ऐसे सुनिए, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों मिला के अगर ऑप्टिक्स को देखा जाए तो हमारे क्लास 12 के फिजिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर है, जिसमें हमारे पुराने सिलेबस के मुताबिक 14 मार्क्स का हुआ करता था। आज भी अगर 14-15 ही होगा तो सोचिए 70 मार्क्स में 15 नंबर का तो केवल ऑप्टिक्स है, तो कितना बड़ा चैप्टर है। इस पे रे ऑप्टिक्स थोड़ा बड़ा और बेहतर है, वेव ऑप्टिक्स छोटा लेकिन थोड़ा खोटा है, मैंने इस पे टॉपिक थोड़े कॉम्प्लिकेटेड जैसे हैं। तो पहले मैं आपको दिखाता हूं वेव ऑप्टिक्स में कितने टॉपिक है, और वेव ऑप्टिक्स में हमको लाइट के नेचर के बारे में स्टडी करना है, जबकि रे ऑप्टिक्स में लाइट का वर्किंग का स्टडी करते हैं। तो किसी का वर्किंग समझना आसान है, किसका नेचर पकड़ना बड़ा मुश्किल है। तो वेव में लाइट का नेचर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम लोग देखते हैं वेव ऑप्टिक्स में हमारे पास टॉपिक कितने हैं। सबसे पहले वेव ऑप्टिक्स में हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ लाइट। इसमें लाइट का नेचर क्या है, आधे साइंटिस्ट का कहना है कि लाइट वेव है, आधे का कहना है कि पार्टिकल्स है। तो हर एक साइंटिस्ट का विचार आपको दिखाएंगे कि लाइट को लेके उसका नेचर क्या है। सेकंड, वेव फ्रंट एंड देयर टाइम। थर्ड, हाइगन्स प्रिंसिपल। नेक्स्ट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन हाइगन्स प्रिंसिपल। नेक्स्ट, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन हाइगन्स प्रिंसिपल। देन नेचर ऑफ वेव फ्रंट पासिंग थ्रू प्रिज्म, लेंस और मिरर। देन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कोहेरेंट सोर्स, इंटरफेरेंस, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, तब वेरी स्ट्रॉन्ग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फिर थ्योरी ऑफ फ्रिंज, फिर डिफ्रैक्शन, फिर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, लास्ट में पोलराइजेशन। यानी कि 15 टॉपिक हमारे पूरे वेव में है, इसमें एक एक करके हम लोग डील करते हैं। आज केवल आपका 6-7 टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। नेचर ऑफ लाइट, लाइट का नेचर क्या है। अगर बात करें लाइट, अब इस कमरे में लाइट है तो एक दूसरे को हम लोग सब देख पा रहे हैं। सडनली लाइट अगर ऑफ हो जाए तो आप हमारा साउंड तो सुन पाएंगे पर हम आपको या आप हमको देख नहीं पाएंगे। तो लाइट ऊर्जा का एक प्रकार है जो हमें देखने की उत्तेजना देता है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच गिव्स अस, जो हम लोग को देता है सेंसेशन ऑफ साइटनेस। बट लाइट का ये डिफिनेशन किसने दिया ये मालूम नहीं, ये तो हमको लगता है आदम जमाने का डिफिनेशन है, पर जब आदिमानव हुआ करते थे उस समय से डिफरेंशन चलता आ रहा है। आप क्लास 5 में पढ़े, 6, 7, 8, 9, 10 कहीं पढ़े, 10 तक तो यही डिफरेंशन चलता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइटनेस। उसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट ने लाइट का अलग अलग विचार दिया, इसको कुछ साइंटिस्ट को हम लोग देखते हैं। तो नेचर ऑफ लाइट, पहला, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइटनेस। बट मैंने बोला ये आदम जमाने का डिफिनेशन है, इसमें किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। लेकिन लाइट को लेकर पहला विचार न्यूटन सर का आया, सर आइजक न्यूटन। इन्होंने बोला लाइट में पार्टिकल्स नेचर होती है, इस पार्टिकल्स को बोलते हैं कार्पुस्कुलर, और कार्पुस्कुलर थ्योरी न्यूटन सर का देन है। इस थ्योरी के मुताबिक न्यूटन बोले थे लाइट इज द स्ट्रीम ऑफ वेटलेस पार्टिकल्स, इनविजिबल पार्टिकल्स, इट ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, एंड द डिफरेंट कलर ऑफ लाइट इज रिस्पॉन्सिबल टू द डिफरेंट साइज ऑफ कार्पुस्कुलर। कार्पुस्कुलर के साइज अलग अलग होते हैं, इसलिए हमारा लाइट का कलर भी अलग अलग होता है। इस थ्योरी के मुताबिक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन को तो एक्सप्लेन कर दिया गया, लेकिन इट कैनॉट एक्सप्लेन इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन, इसलिए इस थ्योरी को बाद में रिजेक्ट कर दिया गया न्यूटन का विचार लाइट को लेकर। फिर आए हाइगन, जिन्होंने बोला लाइट एक वेव है, लेकिन एक थोड़ा गंदा बात बोल दिए, लाइट इज मैकेनिकल वेव लाइक साउंड, लाइट इज मैकेनिकल वेव लाइक साउंड। अभी सोच कर देखते हैं लाइट साउंड के जैसा कैसे हो सकता है। साउंड को चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, जबकि लाइट को चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो हाइगन का ये विचार मुझे पर्सनली थोड़ा बुरा लग रहा है कि आपने ये बोल दिया लाइट इज मैकेनिकल वेव लाइक साउंड। बट इस थ्योरी के आधार पर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया गया, लेकिन पोलराइजेशन को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए इस थ्योरी को भी फाइनल थ्योरी नहीं माना गया। इसके बाद लाइट का एक स्टेटमेंट आया मैक्सवेल के द्वारा। मैं पर्सनली इस स्टेटमेंट को बहुत पसंद करता हूं। अगर आपको रोड पर प्रीत कोई पूछे कि व्हाट इज लाइट, आप ये बोल सकते हैं लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज ट्रांसवर्स इन नेचर,
इट कंटेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ देयर प्रोपोगेशन इट इज ट्रांसवर्स इन नेचर एंड इट डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन तो अभी जो भी बात आप मेरे मुंह से सुनेंगे लाइट का स्टेटमेंट है मैक्सवेल सर का तो मैक्सवेल ने वेव सपोर्ट किया और इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला इनका कहना था लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है मैग्नेटिक फील्ड होती है दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है ये खुद भी परपेंडिकुलर होता है जिस दिशा में ये प्रोपोगेट करता है यानी कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपोगेशन का डायरेक्शन और ये ट्रांसवर्स नेचर की होती है इसको चलने के लिए माध्यम का आवश्यकता नहीं होता है डू नॉट रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन इसके बाद आइंस्टीन आए आइंस्टीन ने लाइट को बोला लाइट तो कुछ होता नहीं है अगर किसी ऑब्जेक्ट को लाइट के स्पीड से फेंका जाए तो कन्वर्ट इनटू एनर्जी उन्होंने बोला कि मास एंड एनर्जी बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल यानी कि एनर्जी कन्वर्ट इनटू मास अब मास कन्वर्ट इनटू एनर्जी और एक फॉर्मूला आपको चिपका के चले गए ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर ये आइंस्टाइन का इक्वेशन है इन्होंने बोला कि मास एनर्जी बोथ आर इंटरकन्वर्टेबल दोनों को आपस में चेंज किया जा सकता है फिर आए मैक्स प्लैंक प्लैंक सर का कहना था कि जो लाइट आती है पैकेट के रूप में आती है और इसको क्वांटा बोलते हैं और उसके अंदर जो एनर्जी होता है उसको फोटोन बोलते हैं फोटोन 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 और एक फॉर्मूला ये चिपका के चले गए E = h μ बट प्लैंक भी वेव सपोर्टर थे वेव सबको सपोर्ट कर रहे थे पैकेट क्वांटा का बात किए जब ये झगड़ा कंटिन्यू चल रहा था बड़े बड़े साइंटिस्ट ये झगड़े में कूदे हुए थे न्यूटन आइंस्टीन मैक्सवेल प्लैंक तब लास्ट में डी ब्रोगली लास्ट में डी ब्रोगली लगभग 1986 में इनका तो डेथ हुआ है यानी कि 1986 मतलब अभी 30-40 साल पहले ये साइंटिस्ट देखती हैं ये विचार देखे चले गए लाइट सोर्स ड्रिवन नेचर लाइट की दूरी नीति होती है यस समटाइम्स इट बिहेव लाइक अ वेव जबकि अदर टाइम्स इट बिहेव लाइक अ पार्टिकल्स मतलब लाइट में दूरी नीति होती है तो वेव बोलने वाले भी सही है पार्टिकल्स बोलने वाले भी सही हो लाइट में ही ये प्रॉब्लम है कि लाइट में दूरी नीति होती है लाइट सोर्स ड्रिवन नेचर और एक फॉर्मूला चिपका के चले गए लैम्डा इक्वल टू एच बाय एल वी बट ये फॉर्मूला को आइंस्टीन ने इस इक्वेशन और प्लैंक के इस इक्वेशन और आइंस्टीन के इक्वेशन से बनाई गई अगर दोनों का एनर्जी हम लोग बराबर कर दें एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर करके अगर हम न्यू को खोल दें सी बाई लैम्डा तो आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम सी या लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम बी तो ये तो था नेचर ऑफ लाइट अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग विचार लाइट को लेकर इसका हम लोग बात करते हैं वेव फ्रंट क्या है देखिए वेव फ्रंट में लाइट का नेचर है ये समझना आपके लिए मुश्किल है बट फिर भी आप समझ सकते हैं एक अंधेरा कमरा पूरा अंधेरा उसके बीच में कैंडल हम लोग जला दें अब कैंडल में जो जल रही उसके चारों ओर जो स्पियर्ड हो रहा है ये वेव फ्रंट है अंधेरा कमरा कैंडल का जो लॉ के चारों लाइट स्पियर्ड हो रही है वही वेव फ्रंट है तो वेव फ्रंट आप समझिए द लोकस ऑफ लोकस वर्ड कम फ्रॉम लोकेशन लोकेशन एरिया द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेटिंग इन सेम फेज एट एनी इंस्टेंट The locus of all particles of medium vibrating in same phase at any instant, किसी भी समय, are called wavefront. The locus of all particles of medium vibrating in same phase at any instant is called wavefront. Wavefront तीन प्रकार की होती है पहला spherical wavefront. A spherical wavefront created by point source. अगर source of disturbance हमारा point source है जैसे sun, जैसे आपका candle, जैसे आपका lantern, जैसे आपका lamp. सबसे जो लाइट निकलती है पॉइंट सोर्स निकलता है चारों से स्पियर्ड होता है तो अगर ये पॉइंट सोर्स है तो लाइट अगर स्पियर्ड करेगा तो वेवफ्रंट हमारा बनेगा स्फेरिकल तो स्फेरिकल वेवफ्रंट क्रिएटेड बाय पॉइंट सोर्स लेकिन अगर लाइन सोर्स हो मतलब ट्यूबलाइट के जैसा लाइन सोर्स अगर हो तो लाइट यहां से स्पियर्ड यहां से स्पियर्ड यहां से स्पियर्ड इधर स्पियर्ड इधर स्पियर्ड तो पूरा लोकेशन को अगर हम लेंगे तो हमको मिलेगा सिलेंड्रिकल तो सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट क्रिएटेड बाय लाइन सोर्स लेकिन अगर सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस पॉइंट सोर्स हो लेकिन अगर सोर्स इन्फिनिटी पे हो तो सारी लाइन हमको पैरेलल दिखेगी जैसे अगर हम लोग रे ऑफ लाइट का पिक्चर ड्रॉ करते हैं तो हम लोग आज भी ड्रॉ करते हैं पैरेलल लेकिन क्या ये पैरेलल है नहीं सारे तो सन से निकले हैं ना तो सन से निकला लेकिन क्योंकि सन इन्फिनिटी दूरी पर है तो हम लोग यहां ड्रॉ करते हैं पैरेलल तो प्लेन वेव फ्रंट क्रिएटेड बाय पॉइंट सोर्स बट सोर्स मस्ट बी एट इन्फिनिटी सोर्स इन्फिनिटी पे अगर हो तो जो सारा हमको वेव फ्रंट दिखेगा वो पैरेलल दिखेगा तो इट इज प्लेन वेव फ्रंट तो वेव फ्रंट तीन टाइप की होती है स्फेरिकल सिलिंड्रिकल और प्लेन तीनों को पैदा करने वाले अलग है इसको पैदा किया पॉइंट सोर्स इसको पैदा किया हमारा लाइन सोर्स इसको पैदा किया पॉइंट सोर्स बट सोर्स मस्ट बी एट इन्फिनिटी नेक्स्ट हम लोग पहुंचते हैं हाइगन्स प्रिंसिपल अब यहां पे लकी थोड़ा सा एक मिनट हम बात करेंगे हमारे क्लास 12 के फिजिक्स में करीबन 15 लॉ है जिसमें कुछ का नाम हम सुनाते हैं जैसे कूलम्स लॉ गॉस लॉ ओम्स लॉ किरचॉफ्स लॉ
एम्पियर सर्किटल लॉ, लेंज लॉ, फैराडेज लॉ पीएमआई, स्नेल्स लॉ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ब्रूस्टर लॉ, क्यूरीज लॉ, तो इस टाइप के लॉ है। तो बहुत सारे लॉ में एक स्टेटमेंट है, बहुत में दो है। जैसे किरचॉफ्स लॉ में दो स्टेटमेंट है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दो स्टेटमेंट है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दो स्टेटमेंट है, फैराडे लॉ पीएमआई में दो स्टेटमेंट है, लेकिन बहुत में एक स्टेटमेंट है। जैसे कूलम्स में एक स्टेटमेंट, एम्पियर सर्किटल में एक स्टेटमेंट। पहली बार एक लॉ आपके पास आ रहे हैं जिसमें चार स्टेटमेंट है, उसका नाम है हाइगंस प्रिंसिपल। अब हाइगंस प्रिंसिपल आपको रटना समझना दोनों पड़ेगा। तो हाइगंस प्रिंसिपल का चारों पॉइंट हम एक साथ आपको बोलेंगे। पॉइंट नंबर वन, ईच सोर्स ऑफ लाइट, हर एक सोर्स ऑफ लाइट, चाहे कैंडल हो चाहे बल्ब हो, ईच सोर्स ऑफ लाइट एक्ट एज ए सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम व्हिच, जहां से वेव स्पियर्ड इन ऑल डायरेक्शन। आइए देखते हैं, ईच सोर्स ऑफ लाइट एक्ट एज ए सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम व्हिच, जहां से वेव स्पियर्ड इन ऑल डायरेक्शन, ऑल पार्टिकल्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सोर्स, वाइब्रेटिंग इन सेम फेज एट एनी सरफेस, इज कॉल्ड वेव फ्रंट। अगर हाइगन प्रिंसिपल का पहला स्टेटमेंट आप रट गए तो आपको वेव फ्रंट का डिफिनेशन भी आप समझ में आ जाएगी। ईच सोर्स ऑफ लाइट एक्ट एज ए सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम व्हिच वेव स्पियर्ड इन ऑल डायरेक्शन, ऑल पार्टिकल्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सोर्स, वाइब्रेटिंग इन सेम फेज लाइक ऑन ए सरफेस, इज कॉल्ड वेव फ्रंट। पॉइंट नंबर टू, Every point on the wavefront, wavefront का जो हर एक point होता है, एक नया source of disturbance का बर्ताव करता है। Every point on the wavefront act as a source of new disturbance, which produces secondary wavelets. These wavelets are spherical in shape and travel with the speed of light in all directions in that medium. Every point on the wavefront act as a source of new disturbance, naya disturbance ka bartav karta hai, which produces secondary wavelets. These wavelets are spherical in shape and they travel with the speed of light in all directions in that medium. Third point, only forward envelope enclosing the tangent at secondary wavelets at any instant gives the new position of wavefront. Only forward envelope, आगे का envelope, only forward envelope enclosing the tangent at secondary wavelets at any instant gives the new position of wavefront. और चौथा सबसे सिंपल पॉइंट है, rays are perpendicular to the wavefront. Rays are perpendicular to the wavefront. ये तो हाइगन के चार पॉइंट। देखिए भाई, मेरा कहना ये है कि हाइगंस प्रिंसिपल चार स्टेटमेंट वाला है, आपको चार लिख के बोल बोल के याद करना पड़ेगा। लेकिन हाइगन प्रिंसिपल के आधार पर आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। जैसे आप क्लास 10 से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखे हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, बट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैन बी प्रूफ बाय हाइगन प्रिंसिपल। माने यहां पर मैं आपको एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर ला के दिखा दूंगा, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और हाइगन प्रिंसिपल। बट इसके लिए थोड़ा सा गौर कीजिए, मैंने एक प्लेन वेवफ्रंट ए बी लिया, ए बी प्लेन वेवफ्रंट, इंसिडेंट किया एक रिफ्लेक्टिंग सर्फेस एक्स वाई पे और वहां से रिफ्लेक्शन हो गई, सी डी इज द रिफ्लेक्टेड प्लेन वेवफ्रंट। फिर प्लेन वेवफ्रंट मैंने लिया ए बी, गौर करें ए बी एक प्लेन वेवफ्रंट है जो कि इंसिडेंट हुआ सर्फेस एक्स वाई पर, और रिफ्लेक्शन के बाद ये चला गया ऐसे, तो इंसिडेंट हुआ एबी के रूप में और रिफ्लेक्टेड हो गया सीडी के रूप में। तो एबी हो गया मेरा इंसिडेंट प्लेन वेवफ्रंट और सीडी हो गया मेरा रिफ्लेक्टेड प्लेन वेवफ्रंट। अब यहां पर कुछ पिक्चर बनाते हैं। इसमें एक नॉर्मल लिया, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आई, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के बीच का एंगल आर। अब गौर करें, अगर ई आई है तो ई वाला भी आई होगा। रीजन क्या है, ये देखिए ई 90 नॉर्मल के साथ और वेवफ्रंट के साथ ई 90 है, क्योंकि अगर वेवफ्रंट ऐसा है तो ये तो 90 ही होगा। तो ये 90 और ये 90, ये दोनों में कॉमन अगर हो रही है, तो अगर ई आई होगा तो ये भी आई होगा। पिक्चर को थोड़ा फिर से देखते हैं, अगर ई 90 है और ई 90 है और ई दोनों में कॉमन है, तो ई जो बचेगा वो भी यही बचेगा। तो इसका मतलब पिक्चर को थोड़ा साफ कर दें हम, यानी कि दिस इज एंगल आई और इधर से भी सेम बात, ये हो गया मेरा एंगल आर, क्योंकि ये आर था, ये दोनों में कॉमन है। अब सुनिए, लाइट को बी से सी तक और ए से डी तक चलने में समय लगेगा सेम, बिकॉज दोनों एक ही वेवफ्रंट है। तो टाइम टेकन टू रीच वेव फ्रॉम बी टू सी एंड ए टू डी विल बी सेम। बी टू सी, लकी बी टू सी और
ए टू डी टाइम सेम लगेगा क्योंकि एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रहा है और दोनों वेवफ्रंट भी एक है, तो हमने टाइम को सेम किया टी इज इक्वल टू टी, बट हमको मालूम है टी है बीसी का और ए एडी का, समय इज इक्वल टू दूरी बटा चाल, तो दूरी क्या है बीसी और चाल लिया भी, लेकिन और इधर दूरी लिया एडी और चाल लिया भी, क्योंकि दोनों एक ही मीडियम में है तो वेलोसिटी तो बराबर होगा, वेलोसिटी को मैंने काट दिया यानी मिला मेरे को मिला बीसी इज इक्वल टू एडी, बीसी इज इक्वल टू एडी। अब बीसी और एडी एक ट्रेंगल से निकालते हैं, ट्रेंगल में चलते हैं, ट्रेंगल ए बी सी, इन ट्रेंगल ए बी सी यहां लगा दो साइन आई, साइन आई इज इक्वल टू लंब बटा कर्ल, मैंने बीसी बाई ए सी, बीसी बाई ए सी यहां से निकाल लो बीसी, तो बीसी इज इक्वल टू ए सी साइन आई, बीसी इज इक्वल टू ए सी साइन आई। ए सी डी वाले ट्रेंगल में चलते हैं तो साइन आर लगा दीजिए, तो ए डी बाई ए सी, ए डी बाई ए सी यहां से ए डी निकाल लेते हैं, ए डी इज इक्वल टू साइन आई, और ये बी सी और ए सी को उठा के हम लोग यहां बैठा देते हैं, बी सी की जगह पे ए सी साइन आई और ए डी की जगह पे ए सी साइन आर, दोनों तरफ से ए सी ए सी को काटा, साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और हैगन्स प्रिंसिपल, ज्यादा से ज्यादा एक बार फोटो को जूम करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और हैगन्स प्रिंसिपल, यहां पर हम लोग रिफ्रैक्शन प्रूफ करेंगे हैगन प्रिंसिपल के आधार पर। तो मैंने एक प्लेन वेव फ्रंट लिया ए बी, उसको इंसिडेंट लिया एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक्स वाई पर, बट यहां पर रिफ्लेक्शन नहीं, हमको रिफ्रैक्शन करना है, मैंने वहां पर रिफ्रैक्शन कर दिया। तो गौर करें ए बी मेरा इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है और सी डी मेरा रिफ्रैक्टेड, ध्यान दीजिए रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट ए बी इंसिडेंट ऑन सरफेस एक्स वाई एंड सी डी इज द रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। बी से लेकर सी तक और ए से लेकर डी तक टाइम लगेगा सेम, लेकिन पिछले बार में टाइम मैंने सेम किया तो दूरी भी सेम हो गई, यहां दूरी सेम नहीं होगा क्योंकि दोनों मीडियम अलग अलग है, इस मीडियम को माना म्यू वन, इसको माना म्यू टू, और बता देते हैं बगल में म्यू टू ग्रेटर देन है म्यू वन से, इसीलिए डेंस मीडियम हो गई रेयरर मीडियम हो गई, इसलिए नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया। तो टाइम टेकन टू रीच वे फ्रॉम बी टू सी एंड ए टू डी विल बी सेम, तो टाइम को मैंने टाइम के बराबर किया, बट ये टाइम किसका है बीसी का, तो समझ लो दूरी बेटा चाल बीसी बाय वी वन, इधर एडी बाय वी टू, ऊपर का वेलोसिटी वी वन नीचे का वेलोसिटी वी टू, तो बीसी बाई वी वन और एडी बाई वी टू। अब यहां तो वी वी बराबर है नहीं, तो बीसी बाई एडी कर देते हैं, इधर वी वन बाई वी टू कर देना। अब करते क्या है बीसी और एडी को इस ट्रेंगल से फिर निकाल लीजिए, तो इन ट्रेंगल एबीसी में जाते हैं, साइन आई इज इक्वल टू बीसी बाई एसी, बीसी बाई एसी यहां से बीसी निकाल लें, बीसी इज इक्वल टू एसी साइन आई, और इस ट्रेंगल में घुस के ए सी डी में घुस के साइन आर निकाल लें, एडी बाई एसी, एडी बाई एसी यहां से एडी निकाल लेते हैं, तो बीसी और एडी दोनों को हम लोग यहां पर बैठा देते हैं, बीसी यहाँ पे एसी साइन आई और एसी साइन आर, एसी एसी को काटेंगे साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू, इधर क्या मिला वी वन बाई वी टू, दोनों को सी से मल्टीप्लाई कर दी, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट। अब इससे अगर मल्टीप्लाई किया तो हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए सी बाई वी टू सी बाई वी वन, अगर इसको खोलते हैं तो फिर यही हो जाएगा फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड, तो c by v2 यानी पढ़े होंगे mu is equal to c by v, तो अगर c by v2 है तो हो जाएगा mu2 और c by v1 है तो हो जाएगा mu1, तो c by v2 मतलब mu2 और c by v1 मतलब mu1, this is equal to 1 mu2, यानी हमारा प्रूफ हो गया mu is equal to sin i by sin r। ये था लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन हाइगन्स प्रिंसिपल। अब एक काम करना है, क्या होता है अगर प्लेन वेव फ्रंट को अगर एक प्रिज्म से गुजार दे तो, मिरर से गुजार दे तो, या लेंस से गुजार दे तो, प्लेन वेव फ्रंट पासिंग फ्रॉम प्रिज्म, एक प्रिज्म लिया इसे प्लेन वेव फ्रंट एबी को मैंने गुजारा, तो देखिए ये तो इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है और ये गुजर गया तब अभी भी प्लेन ही रहा, तो अगर प्लेन वेव फ्रंट किसी प्रिज्म से गुजरेगा तो उसका नेचर नहीं बदलेगा, इमर्ज आउट एज ए प्लेन वेव फ्रंट, मतलब प्लेन था इमर्ज के बाद भी प्लेन ही रहा, बट लेंस से अगर हम गुजारेंगे एक प्लेन वेव फ्रंट को अगर हम लोग लेंस से गुजारते हैं तो जो हमारा निकला हुआ होगा उसका नेचर हो गया कन्वर्जिंग, मतलब कन्वर्जिंग है वो सिकुड़ा देगा फोकस की तरफ, तो गया प्लेन निकला कन्वर्जिंग में चलता, लेकिन अगर एक मिरर से गुजारे तो ये भी कन्वर्ज करेगा क्योंकि ये भी सबको फोकस में लाना चाहेगा, तो गया और फोकस की तरफ इसको कन्वर्ज कर दिया, तो प्लेन से निकला तो एज ए प्लेन और बाकी लेंस और मिरर से दोनों से निकला तो दोनों का नेचर हो गया कन्वर्जिंग नेचर। तो ये तो था हमारा रे वेव ऑप्टिक्स का फर्स्ट पार्ट जिसमें हम लोग कवर किए वेव फ्रंट, हैगन्स प्रिंसिपल, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन हैगन्स प्रिंसिपल, लॉ ऑफ डिफ्रेक्शन ऑन हैगन्स प्रिंसिपल। सेकंड पार्ट आपके पास आ चुका है जिसमें हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कवर किए हैं, उसमें है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन,
कोहेरेंट सोर्स, इंटरफेरेंस, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस और लास्ट में है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो वेव ऑप्टिक्स का दो वीडियो आपको हम डाल चुके हैं जिसमें नोट्स बनाने के लिए है। तीसरा पार्ट हम लेके आएंगे इसमें डिफ्रेक्शन होगा, पोलराइजेशन होगा, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट होगा। तो मिलते हैं वेव ऑप्टिक्स का तीसरा पार्ट के साथ। थैंक यू।